धर्मेंद्र सहित इन दो सुपरस्टार संग राज कपूर ने बनाई फिल्म दो इंटरवल की वजह से हुई फ्लॉप, बाद में कहलाई कल्ट क्लासिक। राज कपूर की फिल्म मेरा नाम जोकर बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप साबित हुई थी। इस फिल्म के लिए उन्होंने घर गिरवी रख दिया था। राज कपूर एक बेहतरीन एक्टर के साथ एक शानदार डायरेक्टर भी थे। उन्होंने अपने फिल्मी करियर में कई शानदार फिल्में बनाई हैं, जिनमें से एक मेरा नाम जोकर थी। ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह फ्लॉप साबित हुई थी, लेकिन इसे आज भी कल्ट क्लासिक फिल्मों में गिना जाता है। मेरा नाम जोकर को बनाने में राज कपूर ने अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया था। फिल्म के फ्लॉप होने के बाद राज कपूर का दिवाला निकल गया था। मेरा नाम जोकर के बाद राज कपूर पूरी तरह कर्ज में डूब गए थे और बहुत ही मुश्किल दौर से गुजरे। मेरा नाम जोकर बनाने में राज कपूर को 6 साल लग गए थे। इस फिल्म को बनाने के लिए राज कपूर ने अपने घर से लेकर अपनी पत्नी के गहने तक हर चीज़ गिरवी रख दी थी। इतना ही नहीं, उन्होंने फिल्म बनाने के लिए मार्केट से पैसा भी उठा लिया था, मगर जब ये रिलीज हुई तो राज कपूर कंगाल हो गए। ये राज कपूर की दूसरी फिल्म थी जिसमें दो इंटरवल थे। उनकी पहली फिल्म संगम थी जिसमें दो इंटरवल थे। संगम सुपरहिट साबित हुई थी, वहीं मेरा नाम जोकर बुरी तरह पिट गई थी। मेरा नाम जोकर की बात करें तो ये मल्टी स्टारर फिल्म थी। इसमें राज कपूर, राजेंद्र कुमार, धर्मेंद्र, मनोज कुमार, बबीता, सिमी ग्रेवाल लीड रोल में नजर आए थे। ये फिल्म इतनी लंबी थी कि राज कपूर ने इसमें दो इंटरवल रखे थे। फिल्म के फ्लॉप होने का ये भी एक बड़ा कारण बताया जाता है। फिल्म के इतनी लंबी होने की वजह से इसे लोगों ने काफ़ी क्रिटिसाइज भी किया था। मेरा नाम जोकर के बाद राज कपूर कंगाल हो गए थे। उसके बाद उन्होंने अपने बेटे ऋषि कपूर को लॉन्च करते हुए फिल्म बॉबी बनाई थी। ये फिल्म इतनी बड़ी हिट साबित हुई थी कि राज कपूर का सारा कर्जा उतर गया था। आप हमें कमेंट कर बताएं जरूर कि मेरा नाम जोकर आपने देखी और देखी है तो आपको कैसी लगी, और क्या इतनी लंबी या ये जो स्टोरी थी इसकी ये इतनी लंबी खींचनी चाहिए थी, कमेंट कर बताएं जरूर। और बॉबी फिल्म आपने देखी है तो ये भी कमेंट कर बताएं जरूर। और राज कपूर आपको एज एक्टर पसंद हैं या फिर डायरेक्टर, ये भी कमेंट कर बताएं जरूर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।